नमस्कार दोस्तों, देखा जाए जवान के ट्रेलर ने तबाही मचा दी और इसके ट्रेलर को देखने के बाद यकीन मानिए आप भूल जाएंगे पठान को, भूल जाएंगे गदर 2 को। जिस हिसाब से इस मूवी का ट्रेलर निकल करके आया है दोस्तों, तबीयत खुश हो गई। क्या ट्रेलर के अंदर हमको जबरदस्त BGM सुनने को मिला है अनिरुद्ध का, और साथ में देखा जाए एटली कुमार ने जो इसके ट्रेलर को काटा है उनकी जितनी तारीफ करी जाए कम है दोस्तों। और साथ ही इसमें विजय सेतुपति का लुक बहुत ही खतरनाक लग रहा है। मतलब शाहरुख खान तो है ही इस मूवी में और विजय सेतुपति का लुक वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है। एक्शन तो हम लोगों को भरपूर देखने को मिल ही रहा है और साथ में इस मूवी के डायलॉग बॉस इस मूवी में 4 चांद लगाने वाले हैं। और इसके ट्रेलर को देखने के बाद मेरी तो तबीयत हरी हो गई दोस्तों। अगर हम दोस्तों इसके ट्रेलर के बारे में आपसे बात करें तो इसमें शाहरुख खान जो कि फ़िलहाल आपने देखा होगा उनके टकले वाले लुक को जिसमें वो विलन बने हुए हैं, वो इस ट्रेलर में एक ट्रेन को हाईजेक कर लेते हैं और जब उनसे डिमांड मांगी जाती है तो वो कहते हैं मुझे आलिया भट्ट चाहिए। लेकिन फ़िलहाल उनकी डिमांड क्या है वो तो हम लोगों को फिल्म देखने को ही पता चलेगा। और वहीं दोस्तों विजय सेतुपति के इतने खतरनाक लुक देखने को मिले हैं और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी सुनने को मिली है वाकई में काबिल तारीफ़ है। और देखा जाए दोस्तों इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति का रोल है वो दुनिया के चौथे सबसे बड़े देखा जाए वेपन डीलर का रोल निभाने वाले हैं और इस मूवी के अंदर वो तबाही मचाने वाले हैं। और देखा जाए दोस्तों इस मूवी के अंदर जो शाहरुख खान का डायलॉग निकल करके सामने आता है जिसमें वो बोलते हैं कि हम जवान देश के लिए 1000 बार मरने के लिए तैयार हैं पर तुमसे डील नहीं करेंगे, आखिर वो डील क्या है ये देखने वाली बात होगी। और विजय सेतुपति मुझे लगता है शाहरुख के बेटे के ऊपर हाथ उठा देते हैं, तभी एक और डायलॉग निकल करके सामने आता है जिसमें शाहरुख खान ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि बेटे के ऊपर हाथ उठाने से पहले बाप के बारे में तो सोच लिया होता। वाकई में दोस्तों इसी टाइप का कुछ डायलॉग था और जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो मेरी तबीयत खुश हो गई। अब मुझे ये लग रहा है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बहुत बड़ा इतिहास, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाली है। वैसे दोस्तों आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।